हाँ जी, आपका नाम? सालम सर। कहाँ के रहने वाले? तो बताएं क्या हुआ ये? सर, रोजा अफ्तारी करने लगे हम लोग, तकरीबन 7:40 के ऊपर में तैयारी शुरू हुई पाकिस्तान, और अंदर बरामदे में बैठे बैठे आकर के अफ्तारी कर रहे थे, गोली लग गई इसके काम, आगे पीछे और भी बहुत ज़्यादा तैयारी हो गई है। तो उसको कौन सी जगह की बात है? ये डेरा बघेल वार्ड नंबर 6 में। डेरा बघेल वार्ड नंबर 6 में तो ये आए दिन होती है? हाँ जी, फायरिंग तो होती रहती है, लेकिन आज ज़्यादा ही हुई है जो है फायरिंग है। तो पोस्ट की तरफ फायर वो कर रहे थे हम, उनके जो गाँव थे पोस्ट में तो जाते नहीं, गांव में ज़्यादा ही फायरिंग आती है गांव में ही। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, क्या होता है बॉर्डर के लिए हमारे को थोड़ा सा, हम तो ये चाहते हैं जब जैसे वो कमेटी में बैंकर दे रहे बड़े बड़े, उनमें आदमी जो 50 मीटर फैर हो तो उसमें जा सकता है। हम तो सोचे सिंगल बैंकर दें हमारे को, तो उसमें चलो जगह मारने वाला जाने वाला तो ऊपर ही वाला है, चलो थोड़ी राहत मिल जाए हमारे को। तो जो आपका जो मोहल्ला है तो उसमें कितने बैंकर्स बने हैं? एक बैंकर बना हमारे वार्ड नंबर 6 में, वो कमेटी दूर बैंकरों को उसका क्या, अभी वो तैयारी हो रहा है। हम तो समझते हैं हमारे को जो सिंगल बैंकर मिले, हमारे मकान तो तकरीबन 50 मीटर 100 मीटर दूर है। जो बैंकर बन रहा है उसकी वैकेंसी कितनी है, कितने आदमी उसमें रुक सकते हैं? जो बड़ा बैंकर है तो क्या पता, उसमें तो मेरे हिसाब से फायरिंग के टाइम खड़े खड़े चलो 25-30 आदमी मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमारे हर आदमी के पास 8-10 आदमी तो परिवार आई। सिंगल बैंकर हो चलो, इतना छोटा ही कमरा उसमें आदमी क्या बैठ सकता है, फायरिंग के टाइम में थोड़ा जान बचाओ कर सकते। थैंक यू सर।